बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है आप सबके लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको कंप्लीट देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। हम आपको बताते चलें कि जैसा कि आपको पता है कि ये चैनल जॉब्स के रिलेटेड है। हम जितनी भी जॉब्स आपके लाते थे वो ग्रांटेड होती थी, और इन फ्यूचर भी ऐसा ही होगा। आज के दिन एक नई अपडेट आई है टाइगर फोर्स के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये ऐलान किया है टाइगर फोर्स के हवाले से, और अप्लाई करने वालों का शुक्रिया भी अदा किया, और प्लस ये भी कहा कि जितनी भी नर्सिस या फिर मेडिकल शोबा के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनके पास तालीम है तो वो अगर अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उनको भी ये अप्लाई करने के लिए कहा गया है, क्योंकि एक मेडिकल शोबा में जो इंसान होगा इन तालीम में है या फिर तालीम हासिल कर चुका है, उसको जॉब नहीं मिल रही, तो वो जस्ट ये जो फ्यू डेज़ के लिए है या फ्यू मंथ के लिए है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो नई अपडेट आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो कौन सी अपडेट है? सबसे पहले तो आपने गूगल में जाना है और यहाँ पर लिखना है www.ilmkari.com, अपनी वेबसाइट ओपन कर लेनी है। और मैं आपको बताता चलूँ कि वो अपडेट जो है कौन सी है। इसकी डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है 15 अप्रैल तक। इसकी अपडेट जो है वो डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है, और कहा गया है कि जितने भी मेडिकल शोबा से तल्लक रखते हैं, जॉबलेस हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया टाइगर फोर्स के लिए तो अभी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके लिए ज़बरदस्त मौका है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जॉब्स आई थी, पेमेंट जो एहसास प्रोग्राम की पेमेंट मिलना शुरू हो गई, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और भी बहुत सारी पोस्टें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। एक नई अपडेट आई थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं साथ, अल्लाह हाफिज़।